Oh, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के दोस्त ठीक होंगे। आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ, उस वीडियो का टाइटल है हेल मार्च इंडियन आर्मी रिपब्लिक डे परेड। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस डे की परेड है, तो इस वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कर दो, तो ये काम आपने लाजमी करना है और साथ बेल आइकन होगा उसको भी आपने प्रेस कर देना है। तो वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, लेट्स वॉच वी गो। ओके, पीएम मोदी, यार काफी अच्छा यूनिफॉर्म है। मैं इंडियन बैंड सुना हुआ है, पाकिस्तानी बैंड सुना हुआ है, अब देखते हैं इंडियन बैंड कैसा है। ओके, ओहो, ये कौन सी साइड के लोग हैं, काफी चाइना से रिजेम्बलेंस कर रही है। ओहो, या ये इन परेडों की ना ये बहुत बड़ी खासियत होती है कि एक जैसे इनके मूवमेंट हो रही होती है हाथों की और पाँव की। ओहो, ये इंडियन कमांडो है, एमएससी। ओहो, एयरक्राफ्ट, ओके, वो एयर फाइटर गया, जेट फाइटर। ओहो, ये आ गया इंडियन पैरा कमांडो। यार ये व्यू चेक करने वाला। ओके, टैंक भी आ गए हैं फील्ड में। ये कौन सा इंडिया का टैंक है, टैंक T90 कुछ लिखा हुआ है। यार काफी मॉडर्न टैंक है इंडिया के पास। ओके, ये कौन सी मिसाइल है, ये कौन सी है, CBRN REC व्हीकल। ओके, ये फीमेल्स भी है, यार काफी अच्छी बात है, तो फीमेल भी लीड कर रही है इंडिया। अग्नि मिसाइल इंडिया की कौन सी है वो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये क्या चीज है, व्यू यार कमाल हो। ये कौन सा टैंक है, टैंक T90 बिश्मा टैंक है। ओके, काफी लंबी परेड है भाई।
ओके, ये काफी अच्छी चीज है। ओहो हो वाह, तो वीडियो खत्म हो गई है। यार अगर वीडियो की रिव्यू की बात करें ना, तो काफ़ी हैवी किस्म की प्लेट थी और मैं एक्सपेक्ट नहीं, अगर सीरियसली मैं इस बात की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी प्लेट होगी। एक फुल मैनर में प्लेट की है और साथ जो है ना काफ़ी किस्म के उन्होंने टैंक भी दिखाए हैं, मिसाइल्स भी थी और डिफरेंट कैटेगरीज की थी और एयरक्राफ्ट्स भी थे, मतलब हल्की हल्की झलकियाँ दिखाई हैं। मैंने भी परेड पाकिस्तान की देखी है कि दो दो तीन तीन घंटे की, तो उन्होंने दो दो तीन घंटे को उन्होंने ये चार पाँच मिनट की एक वीडियो बनाई और मतलब देख के यार दिल खुश हो गया। और यार जो सबसे अमेजिंग बात थी ना कि एक जो परेड के लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाया ना, वो बड़ा ज़बरदस्त था और वो काफ़ी अच्छा व्यू भी दे रहा था। और जो इंडियन आर्मी के स्काउट्स होते हैं या जो बैंड वाले भी हैं, स्काउट्स भी हैं और जो परेड करते हैं, और वो काफ़ी अच्छा परेड की है उन्होंने और एक मैनर्स के साथ एक प्रॉपर वे में उन्होंने परेड की है। यार इंडिया परेड इस वजह से करता है कि वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट 26 जनवरी को क्यों किया जाता है ये मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि वो इंडिया का जो फर्स्ट आइन है जिसे पाकिस्तान में बोला जाता है उर्दू ज़बान में, तो इंडिया में हिंदी में पता नहीं क्या बोला जाता है लेकिन इंग्लिश में उसे कॉन्स्टिट्यूट बोलते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट किया गया था, वो मार्ज वजूद में आया था 26 जनवरी 1950 में। तो तब से इंडिया इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो आज इंडिया की 71st इंडिपेंडेंस डे है। तो मेरी तरफ से तमाम इंडियंस को मुबारकबाद, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।